अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ नोवास पॉडकास्ट। मैं हूं आपकी होस्ट नासिहा सरदार और आज का एपिसोड बहुत स्पेशल होने वाला है। आप सबको पता है कि एक CSS एस्पिरेंट जब रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करता है और इसके बाद इंटरव्यू भी क्वालिफाई करता है तो डिफरेंट ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स में एलोकेशन मिलती है। तो आज का जो एपिसोड है दैट इज़ प्राइमरीली गोइंग टू बी फोकस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन ग्रुप, जिसमें हम बात करेंगे कि इंफॉर्मेशन ग्रुप है क्या, क्या हायरार्की होती है, जॉब नेचर क्या होता है और इसके साथ और भी बहुत कुछ। तो उसके लिए हमारे साथ मौजूद है मिस रिदा फातिमा, हु इज़ करेंटली वर्किंग विद द एक्सटर्नल पब्लिसिटी विंग विच इज़ एन अटैच डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो आइए और इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टुडे। थैंक यू फॉर हैविंग मी, आई फील ऑनर्ड। ऑलराइट, सो हम स्टार्ट करते हैं लाइक फ्रॉम द बेसिक्स। टेल अस अबाउट योर एजुकेशनल बैकग्राउंड। एजुकेशनल बैकग्राउंड में आई एम एन MBA विद HR स्पेशलाइजेशन। उससे पहले BBA ऑनर्स किया था और उससे पहले FSC विद प्री मेड सब्जेक्ट्स। ऑलराइट, सो आफ्टर दैट यू डिसाइडेड टू गो फॉर CSS। यस, इट वाज एन इंटरेस्टिंग जर्नी, उस पर भी आगे हम बात करेंगे। वैसे MBA वॉज द टाइम जब मैंने माइंड थोड़ा बनाया CSS के लिए। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में मैंने जॉब भी किया साल डेढ़ साल। देन आफ्टर रिजाइनिंग फ्रॉम दैट जॉब फिर आई कमिटेड टू प्रिपेयरिंग फॉर CSS एंड आफ्टर दैट आई टुक द एग्जाम इन 2016। ऑलराइट, तो जो आपकी CSS की जर्नी है उस पर हम आगे जाके डिटेल में बात करेंगे, लेकिन लेट्स स्टार्ट इट विद लाइक योर करंट रोल। आप मुझे ये बताइएगा कि व्हाट इज लाइक योर करंट रोल, लाइक व्हाट इज योर डेजिग्नेशन? Currently, I'm working in the external publicity wing, as you already mentioned in the introduction. External publicity wing is basically an attached department of the Ministry of Information and Broadcasting, and it primarily deals with Pakistan's publicity and projection. और उसमें होता ये है कि हम फॉरेन मीडिया से प्राइमरीली डील कर रहे होते हैं। फॉरेन मीडिया में मतलब CNN, BBC, न्यूयॉर्क टाइम्स, सारे जितने भी फॉरेन मीडिया हैं जो पाकिस्तान को कवर कर रहे हैं, उन्होंने पाकिस्तान आना है, VVIP इंटरव्यूज़ कंडक्ट करवाने हैं, हमारे पास प्राइम मिनिस्टर के इंटरव्यूज़ की रिक्वेस्ट आती हैं, उनको प्रोसेस करना, PM के टॉकिंग पॉइंट्स बनाना, उनको वीज़ाज़ ग्रांट करना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे थ्रू हो रही होती हैं। इसके अलावा जैसे फॉरेन सर्विस में फॉरेन पोस्टिंग्स होती हैं, उसी तरह इंफॉर्मेशन ग्रुप वालों की भी फॉरेन पोस्टिंग्स होती हैं और वो एक्सटर्नल पब्लिसिटी विंग के थ्रू ही सारा प्रोसेस होता है। वो हमारे ग्रेड 18, 19 और 20, इन तीनों ग्रेड्स के ऑफिसर्स फॉरेन पोस्टिंग्स पे जाते हैं एज प्रेस अटाशेज, एज प्रेस काउंसलर्स एंड एज प्रेस मिनिस्टर्स। एंड उनका प्राइमरीली ये काम होता है कि उन्होंने एम्बेसीज के साथ जितनी भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड काम है पाकिस्तान की प्रोजेक्शन के रिगार्डिंग, वो उस काम को वो संभालते हैं। डेजिग्नेशन मेरा अभी असिस्टेंट डायरेक्टर है, बट आई एम होपिंग टू गेट प्रमोटेड सून, देन आई विल बी इंशाल्लाह वर्किंग एज डिप्टी डायरेक्टर इन ग्रेड 18। ऑलराइट, यू मेंशन्ड के 18, 19 और 20 में आपको फिर फॉरेन पोस्टिंग मिलती है, सो दैट इज़ लाइक 18 में ही, लाइक 17 में नहीं? बिकॉज यू इनिशियली जो पोस्टिंग आपकी 17 में होती है, तो उसमें फॉरेन पोस्टिंग नहीं होती? हाँ, 17 में नहीं होती, सीट्स ही नहीं होती 17 की। जब हम 18 में जाते हैं तो उसके बाद हम क्वालिफाई करते हैं फॉरेन पोस्टिंग्स के लिए। ऑलराइट, ठीक है। तो जब आप लोग की ट्रेनिंग कंप्लीट होती है और आप लोग की फर्स्ट जो इनिशियल पोस्टिंग होती है वो कहाँ पे होती है? आर दे लाइक इन इस्लामाबाद और आर दे इन डिफरेंट सिटीज़? मोस्टली दे आर इन इस्लामाबाद, क्योंकि इंफॉर्मेशन ग्रुप जो है बेसिकली उसका जो काम है वो फेडरल गवर्नमेंट के साथ है, और फेडरल गवर्नमेंट क्योंकि इस्लामाबाद में है तो जो हमारा आप कह लो कि जो हब है काम का वो इस्लामाबाद ही होता है। बट वी हैव रीजनल ऑफिसेज इन डिफरेंट सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, हमारे लाहौर में हैं, कराची में, मुल्तान में, क्वेटा, हैदराबाद, सो बहुत सारी जगहों पर और ऑफिसज हैं, प्रॉपर सेटअप्स हैं। वहाँ पे जो लोग पोस्टिंग्स को प्रेफर करते हैं वो यूजली वो होते हैं जिनके होम टाउन वहाँ हैं और वो कंफर्टेबल हैं वहाँ रहने के लिए। वरना अगर आपने लर्न ज़्यादा करना है या ग्रो ज़्यादा करना है तो इट्स ऑलवेज एडवाइस दैट यू स्टे इन इस्लामाबाद। ऑलराइट, सो इंफॉर्मेशन ग्रुप से मेरे माइंड में आता है पैमरा। तो लाइक इज इट लाइक दैट के आप लोग की पोस्टिंग्स पैमरा में भी होती है या इस तरह की, लाइक जो दूसरी TV चैनल्स है लाइक PTV, इस तरह से तो वहाँ पे भी आप लोग की पोस्टिंग्स होती हैं इनिशियली? एक्चुअली
पेमरा पीटीवी वगैरह में हमारी डेजिग्नेटेड सीट्स उस तरह नहीं हैं जो कि होनी चाहिए, और ये एक लंबी डिबेट है कि क्यों नहीं है या स्पेस किस तरह से क्रिएट की जा सकती है, बट हम डेप्यूटेशन पे या इंटरनल अरेंजमेंट पे वहाँ पर प्लेस ज़रूर किए जाते हैं. हमारी जो मेनली जो पोस्टिंग्स हैं, हमारा एक जो मेन डिपार्टमेंट है प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, वो अक्सर सब देखते होंगे कि जो मिनिस्टर्स वगैरह भी प्रेस कॉन्फ्रेंसिस कर रहे होते हैं वो पीछे एक पैनाफ्लेक्स बैनर टाइप जो होता है दैट रीड्स प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, तो मेन वो प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है. इसमें हमारे एक PIO होते हैं, इंफॉर्मेशन ग्रुप के सीनियर ऑफिसर, फिर उनके अंडर डिफरेंट PROs होते हैं जो ग्रेड 17 के भी और ग्रेड 18 के भी ऑफिसर्स होते हैं. तो इनिशियली जब हम ज्वाइन करते हैं हम या तो PID में प्लेस हो सकते हैं एज PROs, या PROs का काम ये होता है कि वो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में अटैच होते हैं और उन मिनिस्ट्रीज़ को प्रोजेक्ट करना मीडिया में इज़ देयर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी. हर मिनिस्ट्री में ऑलमोस्ट PROs की डेजिग्नेटेड सीट्स होती हैं. वो होते इंफॉर्मेशन और PID के उस पर हैं स्ट्रेंथ पे, बट वो मिनिस्ट्री के साथ अटैच्ड होते हैं. और इसके अलावा और भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे मैंने एक्सटर्नल पब्लिसिटी विंग का बताया, मेरी फ़र्स्ट पोस्टिंग भी एक्सटर्नल पब्लिसिटी विंग में ही थी. बीच में फिर डेप्यूटेशन पे मैंने प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में थोड़ा टाइम काम किया एंड नाउ आई एम बैक टू EP विंग. इसके अलावा एक डैम्प है हमारा डिपार्टमेंट विच इज़ डायरेक्टोरेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड पब्लिकेशंस. उसमें जो आपकी डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह बन रही होती हैं, डिफरेंट आपकी बुक्स पब्लिश हो रही हैं, आपकी फ़िल्म की पॉलिसी, इन सारी चीज़ों को डैम्प डील करता है. इसके अलावा साइबर विंग है, फिर मेन मिनिस्ट्री है जो इंटरनल पब्लिसिटी विंग कहलाती है. तो काफ़ी मतलब फैला हुआ है स्ट्रक्चर. या वो मुझे आइडिया हो रहा है कि लाइक इट्स वेरी वास्ट एंड इट्स वेरी ब्रॉड. अच्छा, वन एवर वी हेयर इन न्यूज़ या फिर टीवी पे जब हमें सुनने को मिलता है कि लाइक फॉर एग्जाम्पल ए ड्रामा या अ फिल्म दैट्स हैज़ बीन बैंड लाइक, या फिर उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन लगा देती है, सो दैट ऑल्सो कम्स अंडर लाइक इज़ दैट रिलेटेड टू योर जॉब एज वेल, to the information department, or is that a separate thing from this? Yes, it does relate to the information department policy level ki had tak, lekin humse direct us tarah relate nahi karte kyunki PEMRA jo hai na usko ek had tak autonomy di gayi hai. To jo PEMRA ke chairman hain wo aur information secretary aur information minister jo hain, these are the key players jo ye wali cheeze decide kar rahe hote hain. All right. सर, नेचर ऑफ जॉब की तो बात कर ली, विल कम टूवर्ड्स दी हायरार्की. तो मुझे बताएगा हायरार्की क्या होती है, कैसे होती है इन दी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट? ओके, हायरार्की का ये सीन है कि जो डेस्क जॉब्स हैं, जैसे अभी मेरी डेस्क जॉब है, उसमें आप ज्वाइन करते हो ग्रेड 17 में एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, देन यू गेट प्रमोटेड टू ग्रेड 18 एंड यू बिकम अ डिप्टी डायरेक्टर, उसके बाद 19 में डायरेक्टर एंड 20 ऑनवर्ड्स फिर आप डिप्टी डायरेक्टर जनरल, उसके बाद डायरेक्टर जनरल, उसके बाद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जनरल, और फिर अल्टीमेटली ये जो मिनिस्ट्री की अपनी पोजीशंस होती हैं जिनमें आप जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, और फिर फाइनली फेडरल सेक्रेटरी जो ग्रेड 21 की पोस्ट है. ऑलराइट, दैट्स द हायरार्की. यस, ठीक है. लाइक नाउ कमिंग टुवर्ड्स द योर CSS जर्नी, उस पर हम थोड़ा सा बात करते हैं. सो यू हैव डन योर MBA और इसके बाद यू अपेयर्ड इन CSS. मुझे क्या बताएगा, लाइक इट वाज योर फर्स्ट अटेम्प्ट इन CSS इन 2016? बिल्कुल, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, और अटेम्प्ट जब मैंने दिया तो आई वाजंट मतलब आई वाज 100% श्योर कि मेरा नहीं होगा. और मैंने फिर सोचा था रीटेक भी करने का, बल्कि मैंने जब एग्ज़ाम दिया उस टाइम ही मैं सोची थी कि अब मैं सेकेंड अटेम्प्ट की तैयारी शुरू करती हूँ, क्योंकि फ़र्स्ट तो मेरा होना नहीं है. बट अल्लाह वॉज वेरी काइंड एंड वेरी जेनरस कि फ़र्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर भी हो गया और एलोकेशन भी हो गई, तो फिर दोबारा देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी उस तरह. अच्छा, व्हाई वाज दैट सो? आपको क्यों ऐसे लग रहा था कि लाइक वो तैयारी में कोई कमी थी, या फिर पेपर आपको क्या लगा था? आई थिंक वैसे नेचुरल भी है, बिकॉज CSS इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, तो शायद एक नेचुरल फैक्टर भी है. लेकिन इसके अलावा लाइक देयर वाज समथिंग लैकिंग इन योर प्रेपरेशन? एक्चुअली मैं आपको अपना वो थोड़ा सा बैकग्राउंड भी बताऊं, तो आई वाज ऑलवेज अ वेरी नॉन स्टूडियस टाइप ऑफ पर्सन, और मेरे कोई ज़्यादा अच्छे ग्रेड्स वगैरह कभी भी नहीं आए थे.
इन फैक्ट आई एम दी ओनली चाइल्ड. और फिर मेरा इस साथ ये था कि अक्सर आपके बड़े बहन भाई जब होते हैं तो वो आपके लिए कोई ना कोई रास्ता यू नो पेव कर देते हैं, तो आपको समझ आ जाती है कि अच्छा इस रास्ते पे जाना है या इस पे नहीं जाना. तो जब आप एक ही होते हो या आप बड़े होते हो बहन भाइयों में, तो फिर ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन और वो सब कुछ आपके ऊपर ही होती है. तो मेरे साथ इस तरह हुआ कि पहले मैंने FSC की प्री मेड सब्जेक्ट्स के साथ, और उसमें भी आई वॉज 200% श्योर कि मैंने डॉक्टर नहीं बनना. ठीक है, अब उसकी रीज़न ये थी कि आई एम अ वेरी फेंट हार्टेड पर्सन और ये ब्लड और हॉस्पिटल्स और ये वो मेरे बस की बात नहीं थी, तो आई वॉज श्योर. लेकिन बायो इसलिए रखी थी क्योंकि मेरी अम्मा चाहती थी कि मैं प्री इंजीनियरिंग करूँ. मैथ्स की क्लास 2 दिन ली, पल्ले कुछ नहीं पढ़ा, तो मैंने अम्मा से आके कहा कि ये मैथ्स तो मुझसे ना हो पाएगा मैथ्स. तो उन्होंने कहा कि FSC तो बेटा करनी है तुमने, ये ICSFA टाइप का कोई मजाक नहीं है. नथिंग अगेंस्ट इट, लेकिन पेरेंट्स की अपनी थोड़ी होती है कि जी बस साइंस सब्जेक्ट्स ही होने चाहिए एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स. तो फिर उन्होंने कहा अगर तुमने मैथ्स नहीं लेनी तो तुम बायो ले लो. बायो लेके प्री मेडिकल किया. अब उसके बाद क्या करें, तब नया नया शौक मुझे चढ़ा था PF ज्वाइन करके GDP का, तो पहले वहाँ ट्राई किया तो ऑब्वियसली नहीं हुआ, इसीलिए यहाँ मैं बैठी हूँ आज. तो उसमें भी ये होता है कि आपके पास मल्टीपल ट्राइज होती हैं, लेकिन पहली ट्राई की उसमें नहीं हुआ. और उसका जो प्राइम रीज़न था वो ये था कि मैंने जो फिज़िकल ऑब्स्टिकल्स उसमें होते हैं, यू मस्ट हैव हर्ड, यू मस्ट बी नोइंग, तो आई परफॉर्म poorly on that. क्योंकि अच्छा, that it means कि आपका initial clear हो गया था. हाँ, ISSB गई थी कोहार्ट में, तो वहाँ पर जो obstacles थे उनमें बहुत बुरा मैंने perform किया, क्योंकि हमेशा से आई वॉज नेवर अ स्पोर्टी और आउटडोरसी पर्सन. तो आपने 2 फुट की भी छलांग नहीं लगाई और फिर आप 6-6 फुट की मतलब ट्रेंचेस नहीं कर सकते हो क्रॉस. तो और फिर वो मेरे माइंड में इतना डर बैठ गया था एंड आई वाज सो श्योर कि ये मैं नहीं कर सकती कभी भी. तो मैंने अल्लाह मियाँ से कहा कि मुझे कोई ऐसी चीज़ में डाल दे कि ये फिज़िकल ऑब्स्टिकल्स वगैरह ना करने पड़े, पढ़ाई का मैं देख लूँगी, वो कर लूँगी. हाँ, वो मैं कर लूँगी. तो वो फिर आई गेस दैट प्रेयर वॉज आंसर्ड एंड CSS में फिर रास्ता बन गया. ऑल्दो उस टाइम पे मुझे CSS का मुझे पता भी नहीं था कि CSS टाइप कोई चीज़ भी होती है, क्योंकि मेरी फैमिली में दूर दूर तक फ्रेंड्स में कहीं पे कोई CSP नहीं था. तो उसके बाद फिर BBA में एनरोल कर लिया खुद को, क्योंकि जब मैं पढ़ रही थी तो BBA MBA का बड़ा ट्रेंड था, हर दूसरा बंदा BBA MBA. और फिर BBA में लगता था कि आसान सी डिग्री है, ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा, निकल जाएगा. सो यू नो, तो फिर BBA में एनरोल किया खुद को. फर्स्ट सेमेस्टर में आई स्कोर्ड 2.8 GPA और IB अलाम्स नास्ट में 2.8 इज़ लाइक अ गुड थिंग. लेकिन जिस यूनिवर्सिटी से मैंने किया था उसमें नहीं बनता था 2.8 लेना, मतलब और बेहतर परफॉर्म किया जा सकता था. बट मुझे कोई ख़ास टेंशन नहीं हुई कि आई वॉज लाइक ओके ठीक है 2.8 इज़ फाइन. सेकेंड में 2.6 आया, 2.8 से भी नीचे चला गया. तो दैट वॉज़ द टाइम जब मेरी फैमिली में ये बातचीत शुरू हो गई थी कि मतलब अगर नहीं लगता पढ़ाई में दिल तो यू नो कुछ ईजी चीज़ करा दो कहीं आर्ट साइड पे या जो भी. और फिर मेरी अम्मा को भी बिल्कुल डिसअपॉइंट हो चुकी थी, हार्ड हो गया एग्जैक्टली, क्योंकि वही जैसे आई वाज द ओनली चाइल्ड, तो आपकी सारी जो पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो आपसे पेंड होती हैं. तो फिर आई रिमेंबर कि मेरा एक जो टर्निंग पॉइंट था मेरी जो एकेडमिक जर्नी का और फिर आगे से CSS की तरफ मैं हुई, मेरे मामू के साथ एक मेरी 5 मिनट की पेप टॉक हुई थी, जिसमें जो क्रक्स था उस टॉक का वो बस ये था कि उन्होंने कहा कि देखो प्रैक्टिकल लाइफ में ये ग्रेड्स और ये चीज़ें इतना मैटर नहीं करती हैं, बट यू नीड टू आस्क योर सेल्फ अ क्वेश्चन कि आर यू गिविंग योर बेस्ट. अगर तो आप बेस्ट दे रहे हो और 2.8 2.6 आ रहे हैं देन फाइन इट्स ओके, बट अगर आप नहीं दे रहे तो यू नीड टू यू नो एटलीस्ट पुट इन मोर एफर्ट, ताकि आप एक दफ़ा आप कोशिश तो करो ना बेहतर देने की. और फिर उन्होंने कहा ज़्यादा डिसहार्ट ना हो. और अम्मा क्योंकि मुझसे काफ़ी नाराज़ थी, तो ही सेड माएँ ऐसी होती हैं और वो बोलती रहती हैं, नाराज़ होती रहती हैं, तो बस इतना सीरियस ना लो. फिर खैर थर्ड सेमेस्टर में GPA चढ़ना शुरू हो गया, 3.5, फिर 3.8, फिर 3.9. इन द लास्ट सेमेस्टर आई स्कोर्ड 4. Oh, nice, mashallah. That was a good jump. हाँ, that was a good comeback. Exactly. अब उस यूनिवर्सिटी से 4 लेना भी बहुत बड़ी बात नहीं थी, बट कोई गैप इतना था कि 2.6 से 4 पे जाना मतलब एक थी थोड़ी अचीवमेंट टाइप.
उसके बाद MBA मैंने किया, वो एक बेहतर यूनिवर्सिटी से किया, उसका भी मेरा एग्रीगेट GPA वगैरह अच्छा आया। MBA वॉज अ टाइम जब मैंने थोड़ा सोचना शुरू किया कि CSS करके देखते हैं ना, उसमें भी ज़्यादा लोग मुझे यही कहते थे कि कभी अखबार तो पढ़ी नहीं है, कभी कोई करंट अफेयर का शो तो देखा नहीं है, तुम्हें पता भी नहीं है, मतलब कि एक PM और प्रेसिडेंट के नाम के अलावा मुझे नहीं पता होता कि फलां मिनिस्टर कौन है और यू नो क्या चल रहा है और इस तरह की चीज़ें। तो मुझे बहुत हद तक लगता था कि नहीं, मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन मुझे ऐसे छोटे बच्चे होते हैं ना, आप उन्हें किसी चीज़ से मना करते हो या कोई चैलेंज करते हो तो उनका ज़्यादा उस तरफ मोटिवेशन होती है कि एक दफ़ा करके देखें तो सही। तो वो वाली चीज़ थी मुझे कि आई वॉज कन्विंस्ड कि यार चलो एक बार करके देखते तो हैं। वो जैसे फैज़ का भी शेर है कि गरबाजी इश्क की बाजी है, जो चाहे वो लगा दो डर कैसा, अगर जीत गए तो क्या कहने, हारे भी तो बाजी मारनी। तो वो मेरी एक थिंकिंग थी कि चलो करके देखते हैं, मतलब अगर ना हुआ तो भी। जब मैं MBA में थी तो एक मैंने इंट्रोडक्टरी सेमिनार नोवा का ही लिया था, तो वहाँ एक टीचर थे, आई डोंट रिमेंबर हिज नेम, क्योंकि जब मैं फाइनली प्रिपेयर कर रही थी तब मेरा उनसे इंटरेक्शन नहीं हुआ। तो उन्होंने एक एक्सपीरियंस अपना भी शेयर किया, उनकी लास्ट अटेम्प्ट, एक ही अटेम्प्ट उनकी रहती थी क्योंकि एज, उन्होंने लेट डिसाइड किया कि CSS को एक शॉट देना चाहिए। तो उनसे किसी स्टूडेंट ने, एस्पिरेंट ने पूछा कि अगर आप इतना पढ़ो और फिर आपका ना हो क्लियर तो फिर, तो उन्होंने कहा फिर भी आपका लॉस नहीं है बिकॉज यू आर नॉट द सेम पर्सन एज यू वर बिफोर यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग। तो मेरे लिए वो भी बड़ा एक यू नो मोटिवेशन का वो था कि यार वाकई, मतलब आप इतना पढ़ते हो, आपका दिमाग लिटरली, आपको फील होता है कि आपका दिमाग खुल रहा है, यू नो ऐसी चीज़ें पता चल रही हैं जो पहले नहीं पता थी, और CSS के अलावा कोई और अपॉर्चुनिटी आपको मिलती भी नहीं है लाइफ में जब आप इतनी एक्सटेंसिव स्टडी करो और उस तरह से करो। तो फिर मेरा जो मेन ड्राइव थी वो यही थी कि CSS की तैयारी करते हैं और कुछ सीखते हैं और अपने आप को थोड़ा ग्रो करते हैं, थोड़ा ग्रूम करते हैं, और अगर CSS भी हो गया तो वो तो बोनस है। तो मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि बस करना ही करना है या होना ही होना है। फिर जब तैयारी शुरू की और मज़ा आना शुरू हुआ और लगा कि यार नहीं हो सकता है, तो फिर ये सोचा कि चलो इस बार ट्रायल के उस पे दे देते हैं, अगली बार सीरियस होके पढ़ेंगे। तो वो फर्स्ट अटेम्प्ट इस तरह दी, और फिर जो आपका क्वेश्चन था कमिंग बैक टू दैट कि वाई वॉज आई सो श्योर आई वोंट मेक इट, मैंने रिटन की प्रैक्टिस नहीं की थी इतनी, जो कि करनी बहुत ज़रूरी है। वो जो हमारा एक टिपिकल होता है कि पहले सवाल पे घंटा लगा दो और बाकी तीन सवालों पे उसके बाद, तो उसकी वजह से मेरे बहुत ज़्यादा पेपर्स जो थे वो रह जाते थे, इनकम्प्लीट रह जाते थे। तो मुझे बहुत श्योरिटी थी क्योंकि यही हमेशा लगता था कि CSS का रिटन भी क्वालिफाई करने के लिए यू हैव टू बी श्योर कि यू नो आपने बुल्स आई को हिट किया है ना, उसके अलावा तो मुश्किल है। तो वो मुझे लगता था हमेशा से इस वजह से। बल्कि आगे अब मैं आपको भी थोड़ा, आप कहोगे सारा मैं ही बोले जा रही हूँ इतना ज़्यादा, तो आगे फिर मैं ये शेयर करूँगी कि जब रिज़ल्ट अनाउंस हुआ तो किस तरह से अनाउंस हुआ और उस पर क्या रिएक्शन था, उस पर भी बात करेंगे अगर इफ़ यू वुड वांट मी टू टॉक अबाउट। यस श्योर आई वुड। सो हियर एटलीस्ट अ मिथ इज ब्रोकन कि जो CSS ओनली लाइक द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो बहुत ब्राइट स्टूडेंट्स होते हैं या फिर IBA लम्स नस्ट ग्रेजुएट सिर्फ वो ही क्लियर कर सकते हैं। सो एटलीस्ट हियर द मिथ इज ब्रोकन। ऑल राइट, तो वन इट कम्स टू CSS प्रेपरेशन तो जो सबसे हॉन्टिंग सब्जेक्ट होता है दैट इज़ द इंग्लिश सब्जेक्ट्स, प्रेसिएंट कंपोजिशन एंड इंग्लिश, ऐसे दोनों सब्जेक्ट्स। सो हाउ वाज योर ग्रिप ऑन द इंग्लिश सब्जेक्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, लाइक वाज इट गुड या फिर यू हैव टू लाइक पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट टू गेट दैट थिंग राइट? इंग्लिश का ये था कि मेरी जो इंग्लिश है जो जैसी भी है वो, उसका क्रेडिट प्राइमरीली जाता है बुक रीडिंग को, और बुक रीडिंग आई थिंक के वो इट्स द बेस्ट वे टू लर्न। यू आर अ रीडर? आई एम अ रीडर, आई एंजॉय रीडिंग, और फिर थोड़ा बहुत यू नो सीजन्स और इंग्लिश फिल्में और ये वो सारी चीज़ें। तो मुझे अगर आप अभी पूछो ना कि वो पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट फलाना और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, तो मैं आपको नहीं बता सकती, ठीक है? मुझे वो रूल्स या वो उस तरह मुझे नहीं याद। और मुझे याद है जब प्रेसी की क्लास हुई थी, सर नफीस पढ़ाते थे हमें वेस्टरिज कैंपस में,
तो मैंने उनसे भी एक दिन पूछा था, क्योंकि टीचर्स आपको पढ़ाते हुए वो रूल्स और वो सब चीज़ें बताते हैं कि सेंटेंस को स्ट्रक्चर कैसे करना है क्या. तो मैंने उन्हें कहा कि सर मुझे ये समझ नहीं आता, बस मुझे मुझे लगता है, मुझे फीलिंग आ जाती है कि हाँ ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर सही है, बट आई कांट गिव यू द रूल्स बिहाइंड इट ना, एक्सप्लेनेशन की है मैंने कैसे एग्जैक्टली. तो ही सेड कि ठीक है, तो मुझे अपना काम चेक कराओ. तो अगर मतलब मुझे भी लगा कि हाँ तुम्हारी ठीक बनी हुई है बेस, तो यू डोंट नीड टू मतलब कि तुम इस सब में पढ़ो ना. तो फिर मैंने उन्हें दो तीन दफ़ा चेक कराया, तो ही सेड कि येस यू आर गुड टू गो, तो इट्स ओके अगर तुम्हें वो नहीं आती चीज़ें. तो प्रेसी कॉम्पोजिशन वाले और ग्रामर वाले का तो वो था. ऐसे में मुझे थोड़ी मुश्किल हुई, और वो मुश्किल इसलिए हुई क्योंकि ऐसे की वो जो वर्ड काउंट होता है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत एक्सटेंसिव आपको लिखना पड़ता है. और मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में इतना, आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल, किसी ने भी नहीं इतना लिखा होता. 2500 to 3000 एग्जैक्टली 2500 वर्ड्स लिखना, और फिर 3 hours उसमें ब्रेनस्टॉर्म करना, सोचना. एग्जैक्टली बिल्कुल. और फिर कई टॉपिक्स इस तरह के आ जाते हैं कि आप सोचते हो कि यार इस पर मैं 2500 words या 2000 words का मैं क्या लिखूँ इस पर ना, मतलब कि क्या कितनी लंबी बात आप करो. फिर ज़ाहिर आपने रिपीट भी नहीं करनी बात, आपके आइडियाज़ भी नए होने चाहिए. तो उस पर आई हैड टू स्ट्रगल थोड़ा. ज़्यादा यही होता था कि वर्ड काउंट मीट नहीं हो रहा, चीज़ें नहीं मिल रही इतनी लिखने के लिए. लेकिन उसमें फिर ऐसे का तो यही है कि आप जितनी प्रैक्टिस करो, जितनी रिटन प्रैक्टिस करो, और फिर टीचर्स को दिखाओ, उनसे चेक करवाओ, उनसे डिस्कस करो, तो फिर ही आप सक्सेस की तरफ जा सकते हो ऐसे. तो ऐसे की प्रैक्टिस आपने की थी ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, बिकॉज यू मेंशन कि आपकी जो रिटन प्रैक्टिस थी वो काफ़ी कम थी, दैट वाज नॉट अप टू द रिक्वायर्ड जो एक स्टैंडर्ड होता है. बाकी पेपर्स में तो मैंने बहुत नॉन मतलब कि ना होने के बराबर ही की थी, लेकिन ऐसे की मैंने आप कह लो कि 4-5 ऐसेज पूरे लिखे होंगे, और बाकी कुछ की आउटलाइंस बनाई थी और इस तरह. तो मतलब कुछ थोड़ी बहुत की थी, बट वो भी मैं कहूँगी कि एस्पिरेंट्स को मैं यही कहूँगी कि 10 to 12 ऐसेज आपको लिखने चाहिए. ऑल राइट. और जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स या रिमेनिंग जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, उनके लिए आपने वो लंबे लंबे नोट्स बनाए थे या वो नोट्स वाला काम नहीं किया? नहीं, मैंने नोट्स बनाए थे, और नोट्स बनाना आई थिंक बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो आपने अपने हाथ से जो चीज़ लिखी होती है और जिस तरह लिखी होती है वो बहुत काम आती है. और एक्सटेंसिव नोट्स बनाने के बाद उनको बुलेट्स में भी फिर कन्वर्ट करना इज़ एन अदर स्ट्रैटेजी जो कि काफ़ी हेल्प करती है. क्योंकि जब आप बिल्कुल एग्ज़ाम डे से पहले आपने जब पढ़ना होता है, तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप इतने इतने पलंदे नोट्स के या बुक्स इतनी ज़्यादा गो थ्रू करो. तो उसमें बुलेट्स आपके बहुत काम आती हैं कि एक टॉपिक या एक चैप्टर जो है उसका 1 pager आप बस बुलेट फॉर्म में बना लो एंड जस्ट गो थ्रू दैट. ऑल राइट. फिर नोट्स बनाने के भी ऑब्वियसली अपने तरीके हैं. अगर आप फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट एक वीडियो देख रहा है और जहाँ वीडियो से वो जो सुन रहा है अगर वही लिखे जा रहा है, सो आई थिंक इन माय पर्सनल ओपिनियन, इन माय लिमिटेड नॉलेज, मुझे नहीं लगता कि वो वाली नोट्स मेकिंग आपको हेल्प करती है, बिकॉज आप वो एक पैसिवली एक राइटिंग कर रहे होते विदाउट एक्टिवली यूजिंग योर ब्रेन. तो फिर उसकी भी शायद अपने एक टेक्निक्स हो जिसपे हम एक पूरा एपिसोड करने की ज़रूरत है. आई एम थिंकिंग ऑफ डूइंग एन एपिसोड ऑन इट, ताकि एस्पिरेंट्स के लिए ना थोड़ा सा वो चीज़ क्लियर हो जाए. ऑल राइट. सो दिस इज़ हाउ यू डिड द प्रेपरेशन. एक और चीज़ जो प्रेपरेशन से रिलेटेड में माइंड में आई है वो भी मैं श्योर मैंने गूगल बहुत यूज़ किया था अपनी प्रेपरेशन में ना. उसकी ज़रूरत मुझे इसलिए भी पड़ती थी क्योंकि एज आई सेड के मेरा बैकग्राउंड इतना नहीं था, चीज़ों का इतना पता नहीं था, तो मुझे बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करना होता था. कोई भी अब मैं कोई टॉपिक उठाती थी ना, जैसे करंट अफेयर्स की मुझे याद है सर फरीद की क्लास होती थी, तो एक तो मैं उनकी क्लास में कोने में कहीं पीछे कहीं मैं छुप के बैठती थी कि मुझे होता था कि ये मुझसे कुछ पूछना लें. यू नो लेक्चर के दौरान टीचर्स अक्सर स्टूडेंट्स से पूछ लेते हैं कुछ ना कुछ, और फिर सर की तो इतनी कमांड है सब्जेक्ट पे कि वो आते थे और वो क्लास में पूछते थे कि बताओ आज क्या टॉपिक पढ़ना है, और स्टूडेंट्स बताते थे, और वो उस पर लाइक ऐसे जैसे प्ले का बटन आपने दबाया है कोई चीज़ सिलेक्ट करके, एंड देन वो उस पर मतलब प्रॉपर उनका लेक्चर और वो सब स्टार्ट हो जाता था. तो फिर जब मैं बैठ के सिर्फ रीत के नोट्स में देख रही हूँ और मैं पढ़ रही हूँ, तो उसमें 4 और चीज़ें निकल आती थी जिनका मुझे नहीं पता होता था. तो अब ज़ाहिर है आपके पास क्लास में तो इतना टाइम नहीं होता कि आप बार बार टीचर को रोको और उनसे पूछो कि अच्छा ये क्या है और वो क्या है, और फिर थोड़ी अपने इमेज की भी फिक्र होती है कि भाई सब कहेंगे कि अजीब बोंगा सा स्टूडेंट है, इसको ये भी नहीं पता. तो वो फिर गूगल ऑन करके और उस पर डिफरेंट कि अच्छा ये चीज़ क्या थी, वो चीज़ क्या थी, फिर मैंने गूगल
की चीज़ों से आर्टिकल्स निकाल निकाल के वहाँ से बहुत नोट्स बनाए थे अपने. तो लाइक करंट अफेयर्स के एक सरफरीद के नोट्स हैं, एक दो तीन चीज़ें मैंने गूगल से निकाली हैं, फिर मैं उनको इकट्ठा करके यू नो अपनी हैंड राइटिंग में उनको समराइज करती थी. और मतलब इस तरह का प्रोसेस था जो मैंने फॉलो किया था. या इंटरनेट हेल्प्स अ लॉट ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन. और आजकल तो द चैट जीपीटी, दैट इज अ गेम चेंजर. आजकल तो स्टूडेंट्स, मैंने स्टूडेंट्स से खुद सुना है, लाइक दे लिटरली टाइप अ क्वेश्चन इन द चैट जीपीटी और वहाँ पे आपको आंसर मिल जाता है. बिल्कुल. सो इंटरनेट हेल्प्स इफ यूज प्रॉपरली, बिकॉज उसमें फिर एक मसला ये भी आता है कि लाइक देयर इज अ बल्क ऑफ इंफॉर्मेशन प्रेजेंट देयर और इतने फ्री रिसोर्सेज है, तो वो सारे यूजफुल भी नहीं होते. बिल्कुल. सो फिर देन डिसाइडिंग कि आपने कौन सा रिसोर्स लेना है, कौन सा आपने पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना, सो वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है. बट ओवरऑल द इंटरनेट दैट हेल्प्स अ लॉट इन द प्रिपरेशन. ऑलराइट. सो जैसे आपने कहा था कि फर्स्ट अटेम्प्ट से तो आपकी बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी एंड यू वर लाइक फुली मेंटली प्रिपेयर्ड कि मैंने तो सेकेंड अटेम्प्ट में जाके इसको करना है. फिर रिजल्ट आया एंड यू डिड इट. हाउ वॉज दैट, लाइक how was that feeling, how did you feel at the moment? Bilkul, I was on cloud 9 aur jab result aana tha to jab result aata hai to aise hota hai na ke list aati hai un logon ki jinhone qualify kiya aur agle din un logon ki mark sheet aati hai jinhone nahi qualify kiya hota. तो मैंने ये सोचा हुआ था कि मैंने जिस दिन रिज़ल्ट आना उस दिन तो मैंने जहमत ही नहीं करनी चेक करने की. मैंने तो अगले दिन देखा. तो मैं अगले दिन अपना रोल नंबर डाल के अपनी मार्कशीट निकालूंगी. तो आई रिमेम्बर मैं तब जॉब करी थी और जॉब के बाद आई थिंक मैं जिम जाती थी और फिर मैं घर आती थी. तो आई वॉज़ ड्राइविंग बैक फ्रॉम द जिम तो सर ताहिर का मुझे टेक्स्ट आया कि अपना रोल नंबर बताएं ना. तो मैंने, मुझे रोल नंबर याद था ज़ुबानी, अभी भी याद है. तो वो मैंने उनको मैसेज कर दिया. तो आगे से उनका आया कॉन्ग्रेचुलेशंस ना. तो मैं ड्राइव की थी, मैंने गाड़ी साइड पे रोकी, मैंने पहले तो 2 मिनट लगा के सर का मैसेज पढ़ा ना. तो फिर मैंने सर को कहा कि सर आपने गलत देखा होगा ना, किसी और का आपने रिजल्ट देखा होगा. तो ही सेड के नाम पूरा आपका है, रोल नंबर आपका है, तो मतलब आप ही है ना. लाइक यू वर फुली मेंटली प्रिपेयर्ड कि मेरा तो आज आना ही नहीं है, मेरा तो मेरी गेमसी तो कल आनी है. एग्जैक्टली. आई वाज फुली कन्विंस्ड. फिर मैं घर गई तो मैंने एक ना मैंने अपना वो सॉफ्ट बोर्ड सा बनाया हुआ था जब मैं पढ़ रही होती थी, तो उस पर मैंने कुछ कायदे आज़म के कोट्स और कुछ यू नो कुछ शेर और इस तरह की चीज़ें जो मुझे हेल्प करेंगे, उसमें मैंने ना ऊपर एक पेपर पे लिख के लगाया हुआ था अल्लाह मियाँ के लिए एक दुआ के अल्लाह मियाँ कुन फाया कुन से CSS पास करा देना ना. कि बस मुझे लगता था कि अगर अल्लाह मियाँ ने कहा कि हो जाए फिर हो सकता है, वरना अपने से मुझे कोई ख़ास इतनी उम्मीद नहीं थी. तो उस पर मेरा रोल नंबर और वो चीज़ें भी लगी हुई थी. तो आई आस्क्ड माय मदर कि वो मेरी रोल नंबर स्लिप लेके आए ना जल्दी से. तो वो आए, फिर मैंने रोल नंबर देखा, फिर मैंने वापस देखा जो मैंने सर को मैसेज किया, फिर से टैली किया. एंड आई वाज लाइक आई टोल्ड माय मदर, आई सेड कि मेरा रिटर्न पास हो गया ना. तो वो भी बहुत 2 मिनट के लिए तो शी वॉज मतलब बस मुझे ऐसे देख रही नहीं, क्योंकि मैंने उनको भी बहुत मेंटली प्रिपेयर किया हुआ था कि मेरा तो मतलब नहीं हो सकता. और मैं हर वक्त कहती रहती थी कि कोई पूछे, क्योंकि मैंने जॉब छोड़ी हुई थी और मैं प्रिपेयर करी थी. तो अक्सर लोग पूछते हैं कि अच्छा आजकल क्या कर रही है, घर में होती है या क्या. तो मामा की आदत थी, वो बता देती थी ना कि CSS की तैयारी कर रही है. तो मैं उन्हें इतना लड़ती थी, मैं कहती खुदा का वास्ता किसी को ना बताएं, मुझे नहीं पता. पेरेंट्स डू. एग्जैक्टली. तो वो खैर बड़ा मज़े का मोमेंट था. और पहले तो वही डिसबिलीफ था, डिनाइल था, फिर जब यकीन आया तो बहुत मज़ा आया. उसके बाद फिर इंटरव्यू के लिए तैयारी के लिए कॉल आई नोआ से, तो वो इंटरव्यू प्रेपरेशन का भी एक मज़े का फेज था. तो इट वाज मतलब बहुत एक डिफाइनिंग मोमेंट था लाइफ का, जब वाकई आपको लगता है कि यार मतलब कि you finally made it and you've achieved something big. So it was a mazedar sa moment. Of course, I can imagine. All right, तो रिटर्न की जब रिटर्न की प्रेपरेशन आपने अकेडमी से की थी, राइट? आपने फुल सेशन यहाँ से लिया और उसके बाद यू वेंट फॉर सेल्फ स्टडी. हाँ, उसके बाद आई वेंट फॉर सेल्फ. बिकॉज वो फर्स्ट अटैम्प्ट जब आप देते हो तो उस बीच में लाइक इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता, आई गेस कोई 5-6 महीने होते हैं, ऐसे ही होता है, राइट? फर्स्ट अटैम्प्ट और किसके बीच में? एंड जब आप फर्स्ट अटैम्प्ट देते हैं ना, तो अक्सर स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कि राइट आफ्टर ग्रेजुएशन और जब फर्स्ट अटैम्प्ट होता है तो उसके बीच में लाइक 5-6 मंथ होता है एट मैक्स. तो आपका भी ऐसा ही था या टाइम ज़्यादा था? मैंने क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद मैंने जॉब की ना कुछ टाइम, मैंने ग्रेजुएशन की, उसके बाद मैंने तकरीबन साल सवा साल जॉब की, उसके बाद मैंने जॉब छोड़ी, फिर मैंने CSS की तैयारी की. तो मैं तकरीबन आप
सोच लो कि साल डेढ़ साल मैंने लिया था टाइम, और उस पूरे साल डेढ़ साल में मैंने ऑब्वियसली पढ़ाई नहीं की. शुरू में मैं घूमने फिरने में और यू नो सोशलाइज करने में और इन एक्टिविटीज़ में लगी रही. देन आई रियलाइज्ड कि अब टाइम करीब आ रहा है और नौकरी छोड़ी है, तो इट्स बेटर कि अब मैं सीरियसली बैठ के पढ़ लूँ. लेकिन फिर जब मैंने CSS की तैयारी की, तो फिर जैसे हमने पहले भी बात की कि अगर आप बहुत स्टूडियस नहीं हैं या बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है तो आप CSS कर सकते हैं. हाँ, आप कर सकते हैं, लेकिन वही बात है कि फिर आपको CSS की तैयारी जो है वो कमिटमेंट और डेडिकेशन और प्रॉपर फोकस के साथ करनी है. वो फिर आप ये नहीं कर सकते कि उसमें भी आप कहो कि यू नो मतलब बस थोड़ा बहुत करके आप काम चला लोगे. उसमें फिर आपको प्रॉपर अपना बेस्ट शॉट देना ही पड़ता है और पढ़ना बहुत पड़ता है. मतलब मैंने भी जब फिर सीरियसली पढ़ना शुरू किया तो कभी कभी 15 hours, 16 hours, 18 hours इतना भी स्ट्रेच होता था. फिर जब एग्ज़ाम्स होते हैं तो वो दिन में दो दो पेपर होते हैं, वो फिर टेस्ट ऑफ नर्व्स होता है. आपको कई दफ़ा मुझे लगता था कि बिल्कुल मतलब वो कोलैप्स के करीब आ गया है टाइम, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड. और फिर थोड़ा बहुत हार्ड वर्क भी था, दैट पेड ऑफ. Yeah, of course. All right. So after the written, जब आपका रिजल्ट आया उसके बाद आपने इंटरव्यू की प्रेपरेशन की from NOAA, right? और उसके बाद इंटरव्यू हुआ, फिर एलोकेशन हो गई इन द इंफॉर्मेशन ग्रुप, एंड उसके बाद आप लोग की ट्रेनिंग एक फेज है वो स्टार्ट हो जाता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग की होती है कॉमन ट्रेनिंग विच इज़ इन लाहौर में होती है. हाउ वॉज दैट एक्सपीरियंस? कॉमन ट्रेनिंग का बहुत मज़े का एक्सपीरियंस था. और CSA जब मैं CSS की प्रेपरेशन भी करी थी तो भी मुझे सर्विस ज्वाइन करने से ज़्यादा CSA जाने का मोटिवेशन मुझे ज़्यादा लगती थी. और लिटरली ऐसे मैंने टाइम बहुत ज़ाया भी किया तैयारी में कि वो मैं लैपटॉप पे यू नो CSA की बस तस्वीर खोल के बैठ जाती थी और मैं इसे देखती रहती थी कि अच्छा मतलब वुड आई एवर बी एबल टू गो देयर. और वो जो एक उनकी वो लॉन में दरख्त लगे हुए हैं बड़े बड़े और पीछे वो सिविल सर्विस अकेडमी, तो बहुत इट वॉज लाइक अ ड्रीम कि मैं इतना ज़्यादा एस्पायर करती थी कि मैं CSA पहुँच जाऊँ किसी तरह. उससे आगे का मैंने ज़्यादा नहीं सोचा हुआ था, बट CSA का बहुत ज़्यादा था. फिर जब मैं CSA पहुँची फाइनली और जब एलोकेशन हुई और ये सब ना, तो एक और छोटी सी चीज़ मैं शेयर करूँ. इतनी ज़्यादा वो क्लाउड 9 पे इतने ज़्यादा हवा में उड़ रहे थे, बल्कि इंटरव्यू की तैयारी में सर अली खान ने भी एक दफ़ा कहा था कि जब आप नए नए क्वालिफाई करके CSP बनते ना तो आपका बस नहीं चल रहा होता कि आप किसी की फातिहा पढ़ने कब्रिस्तान जाएं, तो आपका दिल करता है कि मुर्दे भी आपको खड़े होकर सलाम करें. तो लाइक लिटरली वाकई ऐसा लगता था. और फिर जैसे मेरी फैमिली में भी और कोई नहीं था, मैं ही थी, तो यू नो एक बड़ी वाह होती थी कि अच्छा मतलब लड़की ने CSS कर लिया है और एलोकेशन भी हो गई है और फर्स्ट अटैम्प्ट और ये और वो. तो फिर जब मैं CSA गई तो वो झाग एकदम से ना बैठ गई, क्योंकि एक तो मैंने देखा कि भाई मेरे जैसे और इतने सारे लोग हैं जो करके आए हैं, और जो आए थे वो भी जैसे लम्स की आवाम थी बहुत ज़्यादा. फिर कोई लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ के आया है, कोई हार्वर्ड का ग्रेजुएट है. तो मैंने कहा यहाँ तो मेरा मुश्किल ही है गुजारा ना. लेकिन अल्लाह का शुक्र है, फिर वो भी मज़े का फेस था. ऑल्दो पहले दो हफ्ते इस तरह के थे, एक तो गर्मी थी, सितंबर में स्टार्ट हुई थी हमारी ट्रेनिंग और लाहौर की गर्मी, और फिर मतलब वो ACs वगैरह नहीं होते थे. फिर हमारा जो स्केड्यूल था वो इतना हेक्टिक था. हमारी सुबह PT होती थी मैंडेटरी, सुबह 5 बजे हम उठते थे, रात को लिटरली 9-10 बजे हम ऐसे थक के गिरते थे बेड्स पे. और पहले 2-3 दिन ना ऐसे थे कि रात को नींद भी नहीं आती क्योंकि गर्मी इतनी होती थी. तो हमने अपने जो हमारे डायरेक्टर CTP थे उनसे हमने कंप्लेन की, तो ही सेड कि 1-2 दिन और ठहरो, बायोलॉजी विल टेक ओवर और तुम लोग इतने थक जाओगे कि तुम लोगों को गर्मी सर्दी फील ही नहीं होगी, तुम लोग बस गिरोगे और सो जाओगे. और लिटरली ऐसा होना शुरू हो गया था. हमारे जो डायरेक्टर CTP थे ही वॉज फ्रॉम द फॉरेन सर्विस, और उनको बहुत ज़्यादा ये था एक तो नैरेटिव बिल्ड करने का और पाकिस्तान की हिस्ट्री और पाकिस्तान के डायनामिक्स वगैरह, हमें बहुत ज़्यादा फोकस उन्होंने रखा ट्रेनिंग पे. और इससे बहुत ज़्यादा लोग चिढ़ते भी थे, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कि मतलब कि क्या हर टाइम वही हिस्ट्री. और बट उनका ये था कि जब तक आपको अपनी हिस्ट्री नहीं पता, अपनी चीज़ें नहीं पता, तो आप
कभी भी अपने रोल को अच्छे से निभा नहीं सकते एज अ सिविल सर्वेंट। उसके अलावा फिर उन्होंने हमारा इतना हेक्टिक स्केड्यूल बनाया हुआ था, ही इंट्रोड्यूस्ड एक फैकल्टी आवर के नाम से एक चीज़ होती थी। उसमें ये होता था कि फैकल्टी बैठी होती थी हमारे पैनल में, सेंटर में वो होते थे डायरेक्टर CTP और बाकी फैकल्टी मेंबर्स, और हमें रीडिंग मटेरियल मिलता था रोज़ के रोज़, जिसमें इंग्लिश विकैबलरी होती थी, न्यूज़पेपर्स होते थे, उसके अलावा कई बुक्स थी जो उन्होंने हमें दी हुई थी, जो कि हमारी एकेडमिक की किताबों से अलग थी। कुछ करंट अफेयर्स की किताबें थीं और कुछ और पाकिस्तान से रिलेटेड थी, और वाई नेशंस फेल और इस तरह की कुछ और बुक्स थी एनालिसिस बेस्ड। तो उस पर फिर एक बैलेटिंग होती थी और यू नो स्क्रीन पे नाम आते थे प्रोबेशनर्स के, रोज़ 30-40 प्रोबेशनर्स की बारी आती थी बैलेट में, और फिर वो रोस्ट्रम पे जाते थे और उनसे उस रीडिंग मटेरियल के बारे में क्वेश्चन होता था, और ठीक ठाक ग्रिलिंग होती थी पूरे ऑडिटोरियम के सामने, सारी फैकल्टी के सामने। और अगर आप नहीं पढ़ के आए या आपको कुछ याद नहीं आया या कुछ, तो वो बड़े एम्बेरसिंग मोमेंट्स होते थे, क्योंकि सर मतलब के बहुत ज़्यादा ग्रिल करते थे आगे से, तो उस वजह से भी सर से बहुत ज़्यादा मतलब मैं खुद बड़ा डिसलाइक करती थी उनको। और जब ट्रेनिंग ख़त्म हुई तो आई हैड दी अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद हिम अगेन, तो मैंने उन्हें बताया भी, मैंने कहा सर मैंने इतना आपको हेट किया है ना 6 महीने, क्योंकि आप इतना ख्वार करते थे हमें, और हम लोग खुद कहते थे कि हमारा वो जो ट्रेनिंग का जो सारा उन्होंने बनाया हुआ था ना एक स्केड्यूल, वो था बड़ा अच्छा, लेकिन अगर दिन में 50 घंटे होते तो फिर 24 घंटे के हिसाब से वो बड़ा मुश्किल था। बहुत रगड़ा मिलता था, कर्फ्यू टाइम इतना स्ट्रिक्ट था, फिर ज़रा सी कोई वॉयलेशन हो गई, वीकेंड बंद कर देना, फिर वीकेंड पे PT लग जाना, और PT तो बारिश है, स्मॉग है, धूप है, जो मर्जी है हमारी PT कैंसिल नहीं होती थी। हम जितनी मर्जी शोर मचाएं, कोशिश करें, स्पोर्ट्स मैंडेटरी थी, हर जगह बायोमेट्रिक लगा हुआ था, वो हर जगह चेक होता था। स्पोर्ट्स में भी आपको पहले जैसे कुछ सीनियर से मैंने सुना था कि स्पोर्ट्स ग्राउंड में अगर आप जाके बैठ भी जाओ या यू नो जस्ट बी देयर फिजिकली एंड इट्स इनफ, बट हमारे केस में ऐसा नहीं होता था। आपको एक टीम स्पोर्ट में मैंडेटरी था पार्टिसिपेशन, इंडिविजुअल स्पोर्ट में मैंडेटरी था। लेकिन उस ट्रेनिंग से बड़ी सारी चीज़ें अच्छी भी हुई, जैसे ये फैकल्टी आर की वजह से एक रीडिंग की हैबिट इनकलकेट हुई। फिर कुछ छोटी छोटी चीज़ें थी, जैसे सर वाज़ वेरी पर्टिकुलर कि हमने अपने रोज़ का जो हमारा टायर है उसके साथ हमने फ्लैग जो है वो मस्ट होना चाहिए, जो हमारे एग्ज़ाम्स होते थे उसमें बैठने नहीं देते थे अगर आपने फ्लैग नहीं पहना वाना। तो वो भी उस टाइम पे हमें बड़ा होता था कि यार ये क्या ज़बरदस्ती है फिजूल में ये वो, बट वो एक अच्छी चीज़ थी जो वो इनकलकेट करने की कोशिश कर रहे थे। डिसिप्लिन था हद से ज़्यादा, लेकिन फिर स्पोर्ट्स से भी हम बड़ा चिढ़ते थे, लेकिन मैंने जैसे कभी स्पोर्ट्स के करीब नहीं गई, मैंने कभी टेनिस का रैकेट कभी हाथ में नहीं उठाया था, बट तब मैंने लॉन टेनिस खेला और मैं सेमीफाइनल तक गई उसमें, और तब सोचा कि वापस आके फिर टेनिस खेलूंगी, जो कि नहीं खेला, लेकिन वो वाला टाइम एटलीस्ट अच्छे से इन्जॉय किया, पढ़ाई भी की और टीम वर्क का भी कॉन्सेप्ट, और बहुत सारी चीज़ें थी उन 6 महीनों में जो सीखने को मिली। एंड थैंक्स टू FPSC, थैंक्स टू NOAA एंड थैंक्स टू डायरेक्टर CTP भी, जिन्होंने ये सारा प्रोग्राम डिज़ाइन किया था, कि बड़ा अच्छा टाइम गुजरा। Yeah, I was watching an interview of DGCSA. He's not the DG now, abhi change ho gaye shayad. So he mentioned this thing ke meri jo philosophy that is fun and functional. Like you have to have fun and at the same time you have to be functional. आपने कुछ एक्टिविटीज़ का जिक्र किया, तो ये एक्टिविटीज़ कुछ ऐसा हुआ था कि आप लोग की CTP के दौरान कुछ न्यू एक्टिविटीज़ इंट्रोड्यूस हुई थी जो प्रीवियसली नहीं थी? एग्जैक्टली असल में ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है ना, ये प्रोरोगेटिव होता है जो डायरेक्टर होता है आपका उस टाइम पे। DG के भी बजाय जो डायरेक्टर प्रोग्राम है ना वो डिज़ाइन करता है ये सारी चीज़, तो डायरेक्टर प्रोग्राम कौन है उस पर बहुत डिपेंड करता है। तो 44th कॉमन में इन्होंने ज्वाइन किया था एज डायरेक्टर CTP, बट उस टाइम पे भी ना ही वॉज़ फिगरिंग थिंग्स आउट। हमारे टाइम पे ही वॉज़ वेरी वेल प्रिपेयर्ड और हर चीज़ बड़ी वो उन्होंने की हुई थी, प्रिपेयर की हुई थी। तो हमारे टाइम पे फिर बहुत सारी चीज़ें जैसे फैकल्टी आवर पहले नहीं होता था, PT मैंडेटरी नहीं होती थी, एज पनिशमेंट अक्सर दी जाती थी, कर्फ्यू टाइम पे इतना स्ट्रिक्टनेस नहीं था,
हमारी रूटीन इतनी हैक्टिक नहीं थी, लेकिन ये है कि उन्होंने हमें मतलब बहुत एवेन्यूज़ दिए थे लर्न करने के, एक्सप्लोर करने के. हमारी मिलिट्री अटैचमेंट भी हुई प्रॉपर यूनिफॉर्म, आर्मी के यूनिफॉर्म के साथ. फिर हमारे CSTs जो कंट्री स्टडी टूर्स होते हैं वो बड़े अच्छे बड़े मज़ेदार हुए. सारी हमारी नाइट्स हुई थी जो कल्चरल नाइट्स बड़ी फेमस हैं CSA की, तो वो सारी चीज़ें भी हुई. बट साथ वही बात है कि वो एक डिसिप्लिन या एक उस तरह की चीज़ें भी कि अब आप आए हो तो सिर्फ इंजॉय करने तो नहीं आए ना. मतलब ऑब्वियसली सरकार का भी इतना पैसा भी लग रहा है आपकी ट्रेनिंग पे एंड एवरीथिंग. सो ही मेड श्योर कि कुछ सीख के जाएं हम, एंड ही वाज वेरी कमिटेड टू द कॉज. ऑल राइट, सो आफ्टर द कॉमन ट्रेनिंग फिर उसके बाद होती है स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग. एज फार एज लाइक द इंफॉर्मेशन ग्रुप इज कंसर्न्ड, इनकी ट्रेनिंग इस्लामाबाद में होती है या फिर ओके इस्लामाबाद में होती है. फिर वो ट्रेनिंग इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द कॉमन ट्रेनिंग, लाइक वैसे ही रिगरस होती है या फिर थोड़ी सी कम रिगरस हो जाती है, उसके बारे में बताइए. इन केस ऑफ इंफॉर्मेशन रिगरस कम होती है. स्पेशलाइज ट्रेनिंग का बेसिकली पर्पस ये है ना कि उन्होंने फिर आपको ग्रुप स्पेसिफिक ट्रेनिंग देनी है, क्योंकि कॉमन ट्रेनिंग में तो 12 ग्रुप्स इकट्ठे हैं और वो सब एक ही उससे गुजर रहे हैं और हमें शफल किया हुआ होता है ना. जैसे हम लोग आपस में सारे ग्रुप्स वाले कॉमन ट्रेनिंग में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, और अगर आपका डायरेक्टर अच्छा है और आपके फैकल्टी मेंबर्स अच्छे हैं तो आप में डिफ्रेंशिएट भी नहीं किया जाता कि भाई अच्छा ये इस ग्रुप का है तो उस ग्रुप का है. स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग में फिर ये है कि हर ग्रुप की अपनी ट्रेनिंग होती है, वो जो इंफॉर्मेशन की है इस्लामाबाद में होती है और इंफॉर्मेशन बेस्ड होती है. उसमें हमें मीडिया लॉज पढ़ाते हैं, हमें जर्नलिज्म पढ़ाते हैं, डिजिटल कम्युनिकेशन पढ़ाते हैं. उसमें डिफरेंट जो मीडिया के लोग हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, मीडिया स्पेशलिस्ट, वो आते हैं, हमें लेक्चर्स देते हैं, डिफरेंट सेमिनार्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं. तो वो हमें बेसिकली उस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं फॉर व्हाट वी आर अबाउट टू डू इन द फील्ड. ऑल आई सो लाइक द पर्पस ऑफ आस्किंग वाज जैसे कि आपके कॉमन ट्रेनिंग भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती है, जैसे आपने कहा कि PTs होती है और इसके अलावा दूसरी एक्टिविटीज़, तो फिर स्पेशलाइज ट्रेनिंग में आपकी वो एक्टिविटीज़ होती हैं या फिर वो नहीं होती, या फिर मैंडेटरी होती है या नहीं होती? वो भी जैसे डिपेंड करता है कि जब आप ने स्पेशलाइज ट्रेनिंग की है तो आपके जो डायरेक्टर प्रोग्राम हैं या जो लोग आपकी ट्रेनिंग डिज़ाइन करें वो कौन है. तो अगर तो वो चाहते हैं तो वो कर भी सकते हैं इंट्रोड्यूस, और अगर वो नहीं उस पर एम्फसाइज करना चाहते तो वो नहीं करते. हमारे टाइम पे नहीं थी फिजिकल ट्रेनिंग वगैरह नहीं थी, ज़्यादा यही था एकेडमिक फोकस्ड ही थी. और ड्यूरेशन कितनी होती है? ड्यूरेशन 9 months की थी, विच इज़ अ लॉट. उसको कम किया जा सकता है और कर देना चाहिए. मुझे नहीं पता कि आजकल कितनी हो रही है, बट हमारे टाइम पे 9 months की ही थी. इट्स 9 months. इट्स लाइक इट्स अ लॉन्ग ड्यूरेशन. यस, इट्स अ लॉन्ग. बिकॉज मैंने दूसरे ग्रुप के सुना है कुछ ग्रुप्स के 4 months के और 5 months की भी होते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. कुछ ग्रुप्स हैं जिनके 4 or 5 months या और फिर कुछ के साल भी. सो इट्स 9 months इन योर केस. यस, 9 months. ऑल राइट. अच्छा ना, आई विड लाइक टू आस्क फ्रॉम यू, थोड़ा सा हमने इसको स्टार्ट में डिस्कस कर लिया है, थोड़े से मिथ्स भी आपने ब्रेक कर दिए हैं कि जो CSS है वो ज़रूरी नहीं है कि आप यू हैव टू बी एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट एंड लाइक वेरी जीनियस एंड वेरी हार्ड वर्किंग फ्रॉम द स्टार्ट, तभी आप जाके CSS क्लियर कर सकते हो. सो आई वुड लाइक टू आस्क यू कि ऐसे आपके ख्याल में ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो एक अगर एक स्टूडेंट में है तो वो इजीली CSS क्वालिफाई कर सकता है, इवन दो अगर वो इतना हार्ड वर्किंग ना भी है फ्रॉम द अर्लियर स्टेजेस, तो वो कौन सी क्वालिटीज़ हैं? जब मैंने CSS के बारे में सोचना शुरू किया था तो समवन टोल्ड मी कि CSS उन लोगों का काम है हु आर जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन. तो आई समवट अग्री टू दिस, क्योंकि आपने 12 subjects पढ़ने हैं, ठीक है. तो उसमें अगर आप वाकई आपका थोड़ा सा माइंड इस तरह का है कि आप डिफरेंट चीज़ों को पढ़ सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो आप में एबिलिटी है कि आप उसको कर जाएं. इसके अलावा नर्व्स का स्ट्रॉन्ग होना इज़ एसेंशियल, क्योंकि जैसे जब एग्ज़ाम्स आते हैं तो दिन में 2 papers होते हैं, वो बहुत मुश्किल, बहुत स्ट्रेनुअस होता है कि मतलब आपने प्रेजेंट माइंडेड रहना है, फिर जो चीज़ें आप पढ़ते आए हो उनको रिटेन करना है, रिकॉल करना है, अच्छे से परफॉर्म करना है, अपनी हेल्थ भी नहीं अफेक्ट होने देनी.
तो दूसरा नर्व्स का हो गया मैटर, तीसरा ये कि स्टडी लंबे लंबे घंटे करना और वो चीज़ें होनी चाहिए कि अगर आपको लगता है कि आपका बिल्कुल पढ़ाई में दिल नहीं लगता या आप भाग रहे हैं पढ़ाई से या नहीं पढ़ना चाहते तो फिर नहीं हो सकता, क्योंकि आपका जितना भी एक्सपोजर ज़्यादा है, ठीक है आपको आप स्ट्रीट स्मार्ट हैं या आपके पास करंट अफेयर्स का नॉलेज है या कुछ भी है, तो भी आप 12 सब्जेक्ट्स हैं ना, तो आपको कितना ही पहले से नॉलेज होगा या कितने ही आप पहले से यू नो स्मार्ट होंगे, जैसे अक्सर लोग कहते हैं कि यू नो पढ़े बगैर ही मैंने इतने नंबर ले लिए या ये वो, तो CSS में वो नहीं हो सकता, मतलब आपको पढ़ना तो है ही, दैट्स अ गिवन, बेशक आप जितने भी स्मार्ट हैं यू हैव टू स्टडी, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके अलावा ये है कि हाँ रिटन प्रैक्टिस करना, टाइम मैनेजमेंट अच्छी होनी चाहिए आपकी तैयारी के दौरान भी पेपर के दौरान भी, अगर आप टाइम को अच्छे से नहीं मैनेज करेंगे तो फिर आपका रिजल्ट जो है उससे अफेक्ट होगा। और ये सारी चीज़ें आप तभी सीखेंगे, यानी कि टाइम मैनेजमेंट या प्रेजेंटेशन हो गई पेपर की या ये जो सारा पेपर के रिलेटेड है वो तभी आप कर सकेंगे जब आपकी रिटन प्रैक्टिस होगी। इसके लिए लाइक वन शुड अपेयर इन दी मॉक जो एग्ज़ाम्स लेते हैं डिफरेंट अकेडमीज और अपनी भी असाइनमेंट्स करते रहे, प्रैक्टिस करते रहे, तो तब एक स्टूडेंट को एक बेहतर आइडिया होता है कि लाइक जो मेरी नॉलेज है वो सफिशिएंट है या नहीं, प्रेजेंटेशन मेरी ठीक है या नहीं। सो वो राइटिंग प्रैक्टिस से ही आएगी, और राइटिंग प्रैक्टिस से एक ये भी होता है कि एक बच्चे का स्टैमिना भी बढ़ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही आपकी स्पीड, अब जैसे इन माई केस मेरी राइटिंग स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो है, तो वो अगर मैं शायद मे भी ज़्यादा प्रैक्टिस करती तो स्पीड का भी इम्प्रूवमेंट का चांस था, बिकॉज मतलब आप इसीलिए मॉक एग्ज़ाम्स देते हो या रिटन प्रैक्टिस आप इसीलिए करते हो कि आप इम्प्रूव करो, ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करो। उसका एक ये भी, फिर जब हमारे इंटरव्यूज़ के दौरान हमारा साइकोलॉजिकल भी टेस्ट होता है तो उसमें सेंटेंस कंप्लीशन होती है एक, जिसमें डिफरेंट सेंटेंसेस होते हैं आपने उनको कंप्लीट करना होता है, तो वो जब इंटरव्यूज़ की भी तैयारी करवा रही होती हैं अकेडमीज भी, तो वो भी आपको यही एडवाइस करती हैं कि आप बीच में जंप्स ना मारें, मतलब कि सेंटेंसेस बीच में ना छोड़ें, क्योंकि वो साइकोलॉजिस्ट कहता है कि आपने मतलब देयर इज समथिंग दैट यू वांट टू हाइड, इसलिए आपने शायद ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं किया। तो जब मैं साइकोलॉजिस्ट के सामने गई तो मेरे पेपर में छलांगें मारी हुई थी, मैंने 3 सेंटेंसेस किए, फिर 2 छोड़े हुए, फिर 2 किए हुए, तो उन्होंने कहा आपने बीच में क्यों छोड़े हैं ना सेंटेंसेस, तो मैंने उन्हें कहा कि क्योंकि मेरी स्पीड राइटिंग की नहीं है इतनी, तो अगर मैं इस पे मतलब मुझे लगा कि इसके बजाय मैं नीचे वाले पहले कर लेती हूँ, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अगर आपकी राइटिंग स्पीड इतनी कम है तो आपने क्वालिफाई कैसे किया CSS, तो मैंने कहा कि बस मैंने शायद जितना अटेम्प्ट किया उतना ठीक अटेम्प्ट किया था, तो इसलिए शायद आई मेड इट हेयर। तो रिटन प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब इट गोज़ विदाउट सेइंग कि रिटन प्रैक्टिस तो करनी ही है, और द मोर द बेटर। ऑलराइट, तो इस तरह से सुनने में बहुत आता है कि लाइक आई थिंक दैट वॉन्ट बी ट्रू, कि जब लोग कहते हैं कि मेरी तो प्रैक्टिस ही नहीं थी और बस मेरा हो गया या फिर 2 महीने में हो गया, इस तरह आई डोंट नो व्हाई डज पीपल से दैट, बट आई पर्सनली डोंट बिलीव दिस। ऑलराइट, कमिंग बैक टुवर्ड्स दी टुवर्ड्स योर जॉब, हाउ चैलेंजिंग इट इज़ फॉर यू टू लाइक प्रेजेंट अ पॉजिटिव एंड अ गुड इमेज ऑफ योर कंट्री टू द वर्ल्ड? चैलेंज ऑब्वियसली बहुत बड़ा है, क्योंकि मतलब के पाकिस्तान के इंट्रिंसिक अनफॉर्चुनेटली अभी इश्यूज वगैरह चैलेंजेस वगैरह क्योंकि इतने ज़्यादा चल रहे हैं, तो ऐसे टाइम्स में और ज़्यादा मुश्किल हो जाती है हमारी जॉब, कि कोई नेगेटिव अगर स्टोरी वगैरह आ गई है फिर आपने उसको काउंटर कैसे करना है, उसका रिबटल देना है नहीं देना है, इस तरह के चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। उसमें फिर हमारी स्ट्रैटेजी थोड़ी इस तरह होती है कि आप थोड़ा पॉजिटिव फोकस करो चीज़ों पे, जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अच्छी भी हो रही होती हैं, बट उसमें भी जो मीडिया के लोग हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, दे से एंड वेरी राइटली सो, कि एक चीज़ अगर अच्छी हो रही है या सही हो रही है, इफ़ इट्स हैपनिंग द वे इट्स सपोज टू हैपन, तो इट्स नॉट न्यूज़, क्योंकि उसको ऐसे ही होना चाहिए ना। लेकिन अगर वो ऐसे नहीं हो रही तो फिर वो न्यूज़ है, फिर वो पिक की जाएगी, तो वो काफ़ी बड़ा चैलेंज है, और डोमेस्टिक मीडिया के लिए भी और इंटरनेशनल मीडिया के लिए भी, और हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको मतलब बेहतर तरीके से एड्रेस करें, और ऑब्वियसली जो और ग्रुप्स हैं और जो पूरा हमारा जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है दे आर आल्सो ट्राइंग टू एड्रेस दोज इश्यूज़। वो हमारा इशू तब
ज़्यादा बेहतर तरीके से एड्रेस हो सकता है जबकि वो इश्यूज़ एड्रेस होना शुरू हो जाएँ, बिकॉज़ यू नो फिर हमें उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती ना. तो इट गोज़ बोथ वेज़ कि अगर वहाँ से चीज़ें थोड़ी बेहतर होना शुरू हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली आपकी पॉजिटिव कवरेज न्यूज़ में आ जाएगी. उसमें फिर ये होगा कि हमें इतना पुश नहीं करना पड़ता मीडिया को, वी जस्ट हैव टू टेल देम और आइडेंटिफाई कि ये चीज़ें, ये इनिशिएटिव्स हैं, ये पॉलिसीज हैं जो गवर्नमेंट ने अच्छी इंट्रोड्यूस कराई हैं, तो यू शुड रिपोर्ट दीज एंड यू शुड टॉक अबाउट दीज. और फिर वो होता है तो उसका ऑटोमेटिकली एक पॉजिटिव इमेज जनरेट होता है. और इंटरनेशनल पॉजिटिव इमेज के बारे में ये भी मेरी ऑब्जर्वेशन है कि जब आपकी इंटरनली अगर लोग जो पाकिस्तानी हैं वो अगर सैटिस्फाइड हैं या वो पॉजिटिवली चीज़ों को देख रहे हैं तो इंटरनेशनल भी रिफ्लेक्शन पॉजिटिव चला जाएगा. बट अगर इंटरनल जो है वो चीज़ें मतलब इतनी पॉजिटिव नहीं हैं तो फिर इंटरनेशनली चीज़ों को मैनेज करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. सो इन द एंड व्हाट एडवाइस वुड यू लाइक टू गिव टू द यंग CSS एस्पिरेंट्स? यंग CSS एस्पिरेंट्स को मैं दो तीन चीज़ें बोलूँगी. नंबर वन तो ये कि अगर आपने डिसाइड किया कि आपने CSS करना है तो सबसे पहली चीज़ तो आई वुड से कि आस्क योर सेल्फ वाई, कि आप क्यों करना चाहते हैं CSS. ठीक है, आपका रीज़न जो है वो राइट होना चाहिए. कई सारी मिथ्स बनी हुई हैं CSS के बारे में. जैसे एक मिथ अभी हमने पहले डिस्कस की कि स्टडीज़ के हवाले से, एक दो मिथ्स कुछ इस तरह की भी हैं कि लोगों को लगता है कि बस CSS कर लिया, बस जैकपॉट लग गया, बस लाइफ सेट हो गई, बस उसके बाद आपने सुकून करना है और यू नो आपके आगे पीछे नौकर फिर रहे होंगे और आपको गाड़ी घर सब मिल जाएगा. और तो इस तरह नहीं होता. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड के वंस यू आर इन द सर्विस यू हैव अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दे आर अ लॉट ऑफ, मतलब कि जहाँ पे ये पर्क्स वगैरह हैं भी वहाँ पे भी एक कॉस्ट है जो पे कर रहे हैं. तो व्हाट इज़ दैट कॉस्ट? आर यू विलिंग टू पे दैट कॉस्ट? आर यू विलिंग टू टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी? आर यू विलिंग टू लिव अप टू द रोल? और उसके बाद फिर आप ये डिसाइड करें कि आपने CSS करना है कि नहीं करना. जस्ट बिकॉज कि आपको लग रहा है कि यू नो बहुत आपका लाइफ चेंज होने वाला है तो उस तरह नहीं होता. दूसरा यही जो हमने पहले डिस्कस किया कि यू डोंट हैव टू बी कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी CSS क्वालिफाई करने के लिए, बट यू हैव टू गिव इट योर बेस्ट शॉट. अपना पोटेंशियल अगर पूरा नहीं रियलाइज कर सकते तो गो एज क्लोज एज यू कैन गो. उसके बाद तीसरा ये है कि जस्ट यू नो कमिट टू द कॉज, बी डिटर्मिंड, हार्ड वर्क करें, लेकिन अपने माइंड में ये ना बिठाएं कि CSS इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड और वो नहीं होगा तो यू नो बस कुछ नहीं हो सकता. क्योंकि हर किसी का रोड टू सक्सेस इज़ डिफरेंट एंड CSS इज नॉट द ओनली रोड टू सक्सेस. आई हैव सीन पीपल, आई हैव मेट पीपल, एस्पिरेंट्स भी जो अकेडमी आते थे जिनको देख के आई वुड थिंक कि यार मतलब इनका तो पक्का है कि हो जाएगा, यू नो वेरी वेल रेड, वेरी वेल ग्रूम्ड और बहुत कमांड हर चीज़ पे. बट दो दो तीन तीन अटैम्प्ट भी दी लोगों ने तो नहीं हुआ. सो CSS इज़ अ टेस्ट ऑफ योर अबिलिटीज़. इट इज़ अ टेस्ट ऑफ यू नो हाउ एबल यू आर एंड हाउ मच यू नो. बट इट इज़ नॉट द ओनली टेस्ट ऑफ योर अबिलिटीज़. यू नो अगर कोई नहीं क्वालिफाई कर पाता तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो ना लायक है या उससे नहीं हुआ या वो कर नहीं सकता. मे बी इट्स जस्ट नॉट, मतलब मे बी गॉड हैज़ अनदर प्लान फॉर दैट पर्सन, दैट्स वाई. और तीसरा ये कि जो लोग कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको ये लगता है कि CSS तुक्के से भी हो जाता है या कभी यू नो किसी का तुक्का लग गया या चांस हो गया या बस सिफारिश हो गई और समथिंग लाइक दैट, तो ऐसे नहीं होता. मतलब आपको अपनी मेहनत करनी पड़ती है एंड ऑब्वियसली लक डज प्ले अ पार्ट. और फिर मतलब अल्लाह मियाँ कितना आपको सपोर्ट कर रहे हैं और वो आप पे कितने मेहरबान हैं, दैट ऑल्सो काउंट्स. बट यू हैव टू वर्क हार्ड. Yeah, you have to put in your effort and the rest is the luck. Exactly. And I would like to add to what you initially said ke you must know ke aap CSS kyun kar rahe hain. Because when you know ke aap kyun kar rahe hain,
So that's only like that thing is going to keep you motivated and encouraged throughout the journey. Because CSS ka, as we talked about the luck factor, ki zaruri nahi hai ki aapko first attempt mein ho, second mein bhi ho sakta hai. Jab first attempt aapka nahi hota to phir wo jo process hai wo kafi exhausting ho jata hai, thoda sa frustrating bhi ho jata hai. So when you know ki aap kyun kar rahe ho, so this is what's going to keep you going. Exactly. Aur wo har kisi ka jo drive hai, jo motivational force hai, wo different bhi ho सकती है. फॉर सम पीपल इट कुड बी कि वो पब्लिक सर्विस में आना चाहते हैं इसलिए. फॉर सम पीपल इट कुड बी कि पॉलिसी में दे वांट टू हैव अ से इन द पॉलिसी मेकिंग. फॉर सम पीपल इट कुड बी कि उनको एक सिक्योर जॉब चाहिए. बट वट एवर इट इज़, यू नीड टू आइडेंटिफाई इट कि वो आपकी ड्राइविंग फोर्स क्या है. एग्जैक्टली. Thank you so much for coming here today and being part of the show. It was lovely talking to you. Thanks for having me. And this was like really, really insightful. इन्फॉर्मेशन ग्रुप के बारे में तो हमने बातें की है, बट यू नो जितने भी सी एस एस एस्पिरेंट्स हैं वो इस तरह के शोज़ देखते हैं, बिकॉज यू पीपल आर द वंस हु लाइक दे लुक अप टू. तो यू हैव टॉक्ड अबाउट लाइक सम मिथ्स, तो इट्स गोना बी बेनिफिशियल फॉर देम एज वेल. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच अगेन. एंड फॉर ऑल दोज हु आर वॉचिंग, इफ यू लाइक टुडेज़ एपिसोड, डू लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. सी यू इन द नेक्स्ट वन. अल्लाह हाफिज़.